दोस्तों, रसोई घर में सिलेंडर का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के रेगुलेटर को लगाना क्या हम सभी को आता है? नहीं आता है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि एलपीजी सिलेंडर के रेगुलेटर को, यानी कि जो आप घर में नॉर्मल गैस चूल्हा यूज़ करते हैं उसका जो सिलेंडर होता है उसमें जो रेगुलेटर हम लगाते हैं उसको हम कैसे लगाएं। सिलेंडर के रेगुलेटर को हर थोड़े दिन पे, जब भी हम नया सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पुराने सिलेंडर से रेगुलेटर को निकाल के नए सिलेंडर में उस रेगुलेटर को लगाना होता है। लेकिन उसको लगाने के थोड़ा ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक के साथ उसे हमें लगाना पड़ता है। इस तरीके से कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हमें लेने पड़ते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि जब हम रेगुलेटर को सिलेंडर में फिक्स करेंगे तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें लेने हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इसको हम लगाते कैसे हैं। इस तरीके से आप अपनी कुकिंग को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। आप खुद सिलेंडर लगाइए, खुद ही चेक कीजिए कि वो सही से लगा है या नहीं लगा है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके कैप को खोलने के लिए मैं इस तरीके से पहले इसको चाकू डाल के करूंगी। आप कोई भी सामान जो इसमें पड़ सके उसको डाल के किसी लोहे के रॉड से आप इस तरीके से इसे खोलें। इसका कैप काफी टाइटली पैक्ड होता है, तो इसको मैंने डिटैच कर लिया। जो प्लास्टिक की कैप हमें इसमें मिलती है, कैप को हम बांध के धागे से इसी में हैंग रखेंगे, क्योंकि हमें सिलेंडर के साथ ये भी रिटर्न करना होता है। और अब मैंने लिया रेगुलेटर को। रेगुलेटर के जो ये नीचे वाला ब्लैक सर्कल है दोस्तों, इसको हल्का सा हम ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, ऊपर की ओर दबाएंगे। देखिए, इस तरीके से इसमें खट से आवाज आई। इसका मतलब हमारा रेगुलेटर सिलेंडर में पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो गया है। अब कहीं भी इसमें गैस का कोई लीकेज नहीं होने पाएगा। एक बार हम गैस को ऑन करेंगे, इसके नोजल को हम लोग घुमाएंगे जिससे कि ये सिलेंडर ऑन हो जाएगा। दोस्तों, ये अगर परफेक्टली आपका लगा नहीं होगा रेगुलेटर तो हमारा नोजल ऑन ही नहीं होगा। ये एक सेफ्टी मेजर है जो कि सरकार हमें देती है, जो कि सिलेंडर की कंपनी हमें देती है। बिल्कुल परफेक्ट लगा है, इसीलिए नोजल ऊपर की ओर टर्न हो गया है। आप अब इट मींस कि हमारे जो बर्नर है उसमें गैस जाने लगी है। देखिए, इस तरीके से जो नोजल है वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि सिधाई में हो जाएगा। एक बार हम बर्नर पे जला के जरूर चेक कर लेते हैं कि जल रही है कि नहीं। गैस बिल्कुल परफेक्ट जल रही है फ्रेंड्स, इट मींस सिलेंडर हमारा अच्छे से लग गया है, रेगुलेटर अच्छे से लग गया है। अब मैं कर दूंगी गैस को बंद, और जो सिलेंडर आपने हटाया है, जो खाली हुआ है, उसका जो ये प्लास्टिक नोजल है इसको आप इस पे जरूर से लगा दें। ये एक सेफ्टी मेजर है, ये लगा के ही हमें वापस करना चाहिए सिलेंडर को। दोस्तों, इसके लिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसको अगर आप नहीं रिटर्न करेंगे तो उसके अलग से चार्जेस कटते हैं। तो इस तरीके से रेगुलेटर को लगाएं और अपनी लाइफ को सेफ बनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।